पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर शाहरुख खान की आने वाली फिल्म रईस रिलीज से पहले ही काफी सुर्खियों में है। शाहरुख खान ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके घर जाकर मुलाकात की है। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान मुख्य भूमिका में है। वहीं मनसे ने पाकिस्तानी एक्टरों के किसी भी फिल्म में होने पर रिलीज न होने की धमकी दे रखी है। हालांकि बताया जा रहा है कि मनसे चीफ ने किंग खान को फिल्म रईस के बिना किसी रोक टोक या बाधा के रिलीज होने का भरोसा दिलाया है। इस मुलाकात को लेकर राज ठाकरे ने बताया कि शाहरुख ने उनसे वादा किया है कि वह दोबारा किसी पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम नहीं करेंगे। साथ ही शाहरुख खान खास तौर पर ये बताने के लिए आए थे कि माहिरा खान भारत में फिल्म के प्रमोशन में हिस्सा नहीं लेंगी। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बाद शिवसेना और मनसे ने पाकिस्तानी कलाकारों का भारत में काम करने पर विरोध किया है। तो इससे पहले करण जौहर ने भी अपने फिल्म ऐ दिल है मुश्किल को लेकर राज ठाकरे से मुलाकात की थी और तब उन्होंने सेना के लिए फंड में 5 करोड़ रुपए जमा करवाने का वादा भी किया था। रईस 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, जिसकी वजह से शाहरुख को राज ठाकरे से मुलाकात करनी पड़ी। देखते रहिए टीवी लाइव।